प्रिजन थर्ड धोखा वो तो एपिक था उसने तो भाई साहब वो तो नेक्स्ट लेवल मतलब अगर हम आपको पता है तो आप तो बस मुंह पे कह दोगे क्या काटने सीखा तुम लोगों ने और कुछ नहीं बट सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है वी आर नॉट हियर टू मेक फन ऑफ एनीथिंग जो हमने पढ़ा है जो हमने रिसर्च की उसके बेसिस पे बोल रहा आपको थर्ड धोखा इज डेक्स्टर देखा है आपने डेक्स्टर देखा तो भाई ब्रो हर कोई मुझे कुछ लाया गया डेक्स्टर की सीक्रेट लैबोरेटरी यहाँ ये बच्चा सबसे होशियार पली भी उसके एक्सपेरिमेंट करती है बेकार क्या गा रहा है भाई अच्छा वो मतलब थीम सॉन्ग हिंट दे रहा हूँ इसमें हिंट क्या है डेक्स्टर की सीक्रेट लैबोरेटरी जहाँ ये बच्चा सबसे होशियार पर दीदी उसके एक्सपेरिमेंट करती है बेकार ओ सुनना इनको भी सुना दे एक बार गाना हाँ वो क्लिप रोल द क्लिप अगर मुझे मिले तो मैंने सोचा ही नहीं देखा ये तो तूने मेरे को बोला नहीं ये वीडियो बनाने से पहले लाइव लाइट वो लाइव लाइट तो आप सोच रहे हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं तो हम ये बोलना चाहते हैं कि टेक्स्टर की बेटी है दीदी वो लगा शौक मुझे भी लगा था पढ़ने के बाद हमने भी बिलीव नहीं किया पर पढ़ा हमने रिसर्च किया तो उससे ये पता चला कि उसकी की बेटी है दीदी लाइक मतलब उसकी फ्यूचर बेटी है फ्यूचर बेटी मतलब और वो पास्ट में आई है तो आपको ऐसे बताते हैं फ्यूचर डेक्स्टर ने अपनी बेटी को भेजा पास्ट में क्यों क्योंकि फ्यूचर में डेक्स्टर ने कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया था जिससे वर्ल्ड या फ्यूचर कह लो सेफ नहीं था मतलब इट कुड बी डिस्ट्रॉयड इतना कुछ इन्वेंट कर लिया था उसने कि कुछ सेव नहीं था वर्ल्ड ही सेव नहीं था मतलब कुछ ऐसा हो चुक गया था कि शायद वर्ल्ड वैसा ना रहे अगर वो चीज़ इन्वेंट हो जाए तो जस्ट टू प्रिवेंट दैट डेक्स्टर ने अपनी बेटी को पास्ट में भेजा और वो उसकी उसने एज अ डेक्स्टर सिस्टर उनके फैमिली का रहने लगी ताकि डेक्स्टर को रोक सके इन सब चीज़ों को इन्वेंट करने से तभी वो चीज़ें डिस्ट्रॉय करती है वही वो कुछ भी बनाता था कुछ भी इतने तगड़े मशीन्स बनाता था इन्वेंट्री करता था सारे तबाह करती थी उसकी बहन और वो सीरियसली वो तो रोक भी सकता था ना अपनी बहन को मतलब कभी हमने रोकने वाली नहीं कभी हमने नोटिस किया है डेक्स्टर ने अपनी इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी करी हुई थी अपने लैब में जस्ट टू मेक श्योर कि एक बंदी उसके लैब में एंटर ना करे उसकी बहन पर फिर भी वो कैसे ना कैसे एंटर कर लेगी और डिस्ट्रॉय कर लेगी मतलब थोड़ा सा आइडिया होगा मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कुछ रास्ते डेक्स्टर को भी नहीं पता होता देखो खुशी कहाँ से मतलब डेक्स्टर भी हैरान होता था दीदी अंदर है मैं कैसे बिकॉज फ्यूचर डेक्स्टर ने सब बता रखा था उसे कि कैसे क्या 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 करना है एक और हिंट दूँ भाई मत दे ये तो गलत है ये वाला हिंट तो मैंने जैसे ही सुना और जैसे मैंने रिसर्च में देखा आई मीन व्हाट द कोड वर्ड देते आप दीदी डी डी कहेंगे क्या बोल रहे हो डी नहीं डी 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 स्टैंड्स फॉर डेक्स्टर दूसरा डी स्टैंड्स फॉर डॉटर डेक्स्टर्स डॉटर डी डी ओ Time rapping. You see what goes down. We're done here. It's a wrap. Seriously, हमें यही लगा कि भाई ये क्या पढ़ लिया मतलब क्यों पढ़ लिया मतलब बचपन बर्बाद हो गया यार सही में यार मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच हम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे बनता है अब ये लोग सोच रहे हैं भाई इनको कार्टून दे भाई कार्टून ही देखो तुम ज़्यादा मत रिसर्च करने जाओ हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने नहीं पर मैं जैसे आपको पहले स्टार्टिंग में बोल देता दर्द बांटने में ही दर्द कम होता है तो दर्द बांटा है आपके साथ बस और कुछ कि कंटेंट हमारा यही था होप आपको अच्छा लगा लगना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत करी बहुत मेहनत की है आई नो कुछ अलग नहीं था बट बहुत अलग था ये से ये बनाया तो और लोगों ने भी होगा पता नहीं मैंने देखा नहीं और लोगों ने बनाया तेरा कौन देखता है तुम लोगों का देखेगा
आउट ऑफ द टॉपिक चले गए. तो या लाइक शेयर कमेंट कमेंट डाउन योर थॉट्स. सेकेंडली हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कुछ थ्योरीज हो तो आप कमेंट में कर सकते हो. हमारे तो शेयर करिए प्लीज. हमें भी हमें खुद अच्छा लगेगा कि इवन यू कैन टेल अस कि कितना आप अग्री करते हो कितना डिसएग्री करते हो. वो भी अपनी थ्योरीज बता सकते हो. एग्जैक्टली. बट अगर आपको लगा कि जितना दर्द हमें हुआ है उतना दर्द आपको भी हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब. क्योंकि आई गेस कंटेंट जेन्युइन है. मेहनत की है. मेहनत करिए. कुछ नहीं लिखा. कुछ नहीं लिखा पर मेहनत करिए. बाय. गॉड स्पीड. देखो भाई वो क्या कर रहा है. एक वीडियो बनाने के चक्कर में मत कर यार.